हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रेसिपी है कटहल की सब्ज़ी, और आज मैं इसे किस तरह से कट किया जाता है उसे बताने जा रही हूँ। अगर आप सेम प्रोसेस से इसे फॉलो करेंगे तो इसे काटना आसान होगा। और हमें थोड़ा सा तेल चाहिए, जिसे हम चाकू और हाथ में अच्छी तरह से रब कर लेंगे, जिससे कटहल काटने के वक्त चिपचिपा सा जो वाइट कलर का लिक्विड आता है वो आपके हाथ में बिल्कुल नहीं चिपकेगा और ना चाकू में। हम तेल को अच्छी तरह से चाकू में लगा लेंगे, उसके बाद इसे हम कट करेंगे, जिससे चाकू में बिल्कुल चिपचिपा नहीं होगा। सबसे पहले हम इसका डंठल काट लेंगे। आप देख सकते हो इस तरह से जो इसका चिपचिपा सा लिक्विड आता है उसे हम अच्छी तरह से साफ कर लेंगे। अब इस तरह से डंठल का भाग ले और उसे राउंड घुमाते हुए जितना भी इसका चिपचिपापन है आप उसे निकाल दें। आप इसमें एक या दो बूंद तेल डाल दें और उसे वापस एक बार घुमा दें। और जो थोड़ा बहुत आपका वो चिपचिपा वाला लिक्विड आए उसे टिश्यू पेपर से क्लीन कर ले। अब इस तरह से आप उसे कट करते हुए राउंड शेप में हम काट लेंगे। इसी तरह हम सारे पीसेस को राउंड शेप में पहले कट कर लेंगे। मैं बाकी आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ। मैं हाथ में तेल रब कर रही हूँ, जो कि ये है, हाथ में चिपकेगा नहीं। अब इसे आप इस तरह से हाफ कट कर ले। अब आप ध्यान से देखोगे, इसे हम जो ग्रीन है इसका कट है, इसे हम आराम से इस तरह से इसे घुमाते हुए इसे आप काट कर निकाल दें। और अगर आप इस पार्ट को अगर खाते हो तो आप नॉर्मली इसे कट कर ले, नहीं तो आप इस तरह से इसे बीच से हाफ करें और उसका बीच का पार्ट आप निकाल दें। इस तरह से आप कट कर ले और आपको जिस साइज में चाहिए आप उस साइज से कटहल को इस तरह से आप पीसेस में करके रेडी कर सकते हैं। चलिए हम बाकी सारा प्रोसेस करके आपसे मिलते हैं। आप देख सकते हो मैंने सारे कटहल को कट कर लिया। आपको जिस साइज में चाहिए उतने साइज का पीस रख ले। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करा, चैनल सब्सक्राइब करा। थैंक यू।